पड़ जाते हैं हमारे पास। देखो ये जो पाव भाजी है, इधर पे दही बड़ा है और इधर पे ढोसा है और इधर पे सोकर की चटनी है, सांभर है और एक चटनी है, ठीक है। तो तीन तरह की चटनी है, इधर पे डोसा है, दही बड़ा है, दो इधर पे एक दो है और इधर पे पाव भाजी। लग रहा यही खा जाऊ, इधर पे सब छोड़ दू। तो गाइस पहले एक बाइट लेता हूँ और गाइस देखो इसके अंदर, देखो तो गाइस और एक बाइट लूंगा। What is the beautiful people? क्या हाल चल सस्तीकाल, आशा करता हूँ सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे और एक नया फूड ब्लॉगिंग वीडियो पे। तो गाइस बेसिकली आज हम आ चुके हैं साउथ इंडियन फूड कॉर्नर पे। हाँ गाइस साउथ इंडियन फूड कॉर्नर पे आ चुके हैं। तो गाइस इधर पे बेसिकली आए हैं हम पाव भाजी खाने। हाँ गाइस जिनको पता नहीं पाव भाजी क्या है, तो गाइस पाव भाजी है दिल्ली और मुंबई की बहुत ही फेमस फूड है गाइस, लिटरली बहुत फेमस है, ठीक है। तो गाइस इस फेमस फूड को खाने आए। बेसिकली जो पाव भाजी है वो दिल्ली और मुंबई के अंदर सीरियसली बहुत फेमस है और मुंबई के पाव भाजी को कभी भी दिल्ली की पाव भाजी टक्कर नहीं दे सकते, कभी भी नहीं टक्कर दे सकता, ठीक है। तो गाइस देखते इधर पे क्या सीन है, गाइस देखते इधर पे कितने रुपए में क्या क्या मिल रहा है, सब कुछ हम खाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो गाइस ए टू जेड गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और गाइस कमेंट भी कर दीजिए। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं इन 3 2 1 बूम।
हम आ चुके हैं और इधर पे हमारे पास देखो ये जो पाव भाजी है, इधर पे दही बड़ा है और इधर पे क्या है और हमारे धोखा है और इधर पे सोकर की चटनी है, सांभर है और एक चटनी है, ठीक है। तो तीन तरह की चटनी है, इधर पे डोसा है, दही बड़ा है, दो इधर पे एक दो है और इधर पे पाव भाजी। ये अच्छे से मक्खन से इसको मेल किया है, ठीक है। तो चलो गाइस पहले पाव भाजी खाएंगे, ठीक है, पाव भाजी पहले खाएंगे क्योंकि जन्नत है, ठीक है, मुंबई दिल्ली पे ये बहुत फेमस है। तो गाइस देखते हैं इधर कितना टेस्टी होता है, ठीक है। चलो और ये गाइस ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, इसको फर्स्ट बाइट। गाइस मेरा फर्स्ट बाइट, गाइस और एक बाइट दूंगा। तो लग रहा है इसके अंदर बहुत बटर है, ठीक है, बहुत बटर है। ओए ओए लग रहा है यही खा जाऊं जब पे सब छोड़ दूं, बट कोई नहीं, स्कूल का करना पड़ेगा गाइस। मतलब सीरियसली गाइस मुंबई दिल्ली पे ये पाव भाजी इतना फेमस हुआ है, रीजन सीरियसली बहुत टेस्टी है। तो गाइस ये जो पाव भाजी है इसके प्राइस है 45 रुपीज, ठीक है, मतलब इतना चीप रेट है। सीरियसली आप जाओगे एक रेस्टोरेंट में जाओगे पाव भाजी कम से कम 100 रुपये तो होगा ही होगा, ठीक है, इधर पे 45 रुपीज का मिल जाएगा, मतलब समझ रहे हो इतना सस्ता है। तो गाइस पाव भाजी कंप्लीट हो चुका है, इधर पे अब हम ट्राई करेंगे दही बड़ा। तो दिखा गाइस दही बड़ा देखो, ठीक है। तो चलो इसके अंदर देखो गाइस ग्रेवी देखो, देखा कितना ठीक है, देखो गाइस कितना ठीक, ये जो दही है ना बहुत ठीक है, देखो कितना ठीक है। और इसके अंदर ये जो एक चटनी इधर पे दिया है, ठीक है। तो चलो गाइस इसके बारे में ट्राई करते हैं, चलो अच्छा पहले इसके खा लेते हैं। इसके अंदर दही भर भर के है लिटरली गाइस। तो चलो गाइस पहले एक बाइट लेते हैं, दही भर भर के है। और गाइस इसका प्राइस है ओनली 30 रुपीज, ठीक है, 30 रुपए के अंदर दो दही बना लिया है। तो गाइस और एक बाइट लूंगा, फ्रिज के अंदर था, बहुत ठंडा है, बहुत लिटरली बहुत ठंडा है। थोड़ा ग्रेवी देखो गाइस, उसके अंदर दही इतना अच्छे से मेल्ट किया है, मतलब बहुत ही अच्छे से देखा है। ऑसम गाइस ऑसम। तो गाइस इसको रख लेते हैं, अब हम ट्राई करेंगे डोसा। तो गाइस ये जो डोसा है ये शकर की चटनी है, सांभर है और एक चटनी इधर पे। तो गाइस पहले एक बाइट लेता हूँ और गाइस देखो इसके अंदर देखो गाइस जो हमारा पोटैटो का स्मैश इधर भरा है, अनियन है, कोरिएंडर लीव्स है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो चलो गाइस फर्स्ट बाइट लेता हूँ, सांभर से लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसे भिगो के ऐसे। गाइस बहुत टेस्टी है, लिटरली बहुत टेस्टी है। ओए हो देखो गाइस देखो गाइस इसके अंदर पाउडर कितना स्मैश कर रहा है, ठीक है। तो गाइस अब
कोकोनट चटनी देकर ट्राई करेंगे, ठीक है। लग रहा है मैं साउथ इंडियन पे आ गया, इतना टेस्ट है ना, लग रहा है मैं साउथ इंडियन पे आ गया, बट कोई नहीं, मैं सिर्फ शारदा पे ही हूँ, उसका फिर गया हूँ। तो गाइस और एक बार दूंगा, गाइस ये चटनी बहुत सही है, मैं और एक बार दूंगा इसका। और गाइस इसका प्राइस है 40 रुपये का, ठीक है। आपको डोसा मिल रहा है, कोकोनट चटनी मिल रहा है, सांभर मिल रहा है और एक चटनी मिल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर गाइस मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इसके अंदर देखो इतना अच्छे से मैं तो बना रहा हूँ, पोटैटो का कितना स्मेल है, बहुत है पोटैटो, बहुत है, ठीक है। पोटैटो इसके अंदर ऐसा मिल जाता बहुत ही सही है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो चटनी था, ये चटनी बहुत ही सही है, लिटरली बहुत सही है। तो गाइस मैं खा लेता हूँ, इतना सारा मैं अकेला नहीं खाऊंगा, ये दोनों बताए ये तो खाएगा ही खाएगा, ठीक है। तो गाइस तो खा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। गाइस बात ऐसा कि उधर पे हम जाके मतलब पेट पूजा करते करते इतना ज्यादा कर लिया है कि मतलब उधर पे आउटपुट करना भूल ही गया, क्या ही बताऊं गाइस। तो गाइस अभी फिलहाल मैं घर पे हूँ। गाइस हमने लिए थे कि पाव भाजी लिया था, उसके अंदर दही बड़ा था और हमारा जो डोसा था, ठीक है गाइस। तो गाइस इस तीनों के अंदर मुझे आप सच बताओ तो मुझे जो पाव भाजी थी बहुत ही तगड़ी लगी थी, बहुत ही तगड़ी थी, और जो पाव भाजी थी लिटरली बहुत ही तगड़ी थी, और जो दही बड़ा था वो भी बहुत तगड़ी थी, बट जो डोसा थी ना उतना भी तगड़ी नहीं थी, ठीक है। मतलब मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था वो जो डोसा था, बट डोसा के अंदर जो चटनी थी एक वो चटनी बहुत ही तगड़ी थी, ठीक है गाइस। तो गाइस आप जाके जरूर ट्राई करो, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाके जरूर ट्राई करो पाव भाजी, स्पेशली पाव भाजी और दही बड़ा, ये जो दोनों चीज जरूर ट्राई कर लेना, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो जरूर ट्राई करो गाइस, बहुत अच्छा रहेगा आपको, और डोसा भी ट्राई कर सकते हो। तो देखो गाइस सबको तो सभी खाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो गाइस मुझे डोसा उतना भी अच्छा नहीं लगा था, तो आपको भी अच्छा लग सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो गाइस आप जाके मैं रेकमेंड करूंगा, आप जाके जरूर ट्राई करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइस जो सबसे खतरनाक वाली बात है वो ऐसा कि इतने कम प्राइस में इतने तगड़ी साउथ इंडियन फूड मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो गाइस जाके आप जरूर ट्राई कर लीजिए, और गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, आप उधर पे जाके जरूर जा सकते हो, ठीक है। और सिंपल भाषा में बताऊंगा तो आप चकदा के अंदर उतर लेना, उसके बाद आपको गूगल पे सर्च कर लेना, जो गूगल मैप है उसके अंदर सर्च कर लेना कि साउथ इंडियन फूड कॉर्नर। तो गाइस सर्च करने के बाद आपको सीधा लेके जाएगा उस शॉप के अंदर। तो गाइस उधर पे जाके जरूर ट्राई करो, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो गाइस आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक 1% नहीं पसंद आया तो गाइस लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब करो, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके ऑल कर लो। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्या कर लो गाइस, फटाफट से सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके ऑल कर लो। उससे क्या होगा, हम जैसे और चैनल के लिए कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले बिना किसी वक्त के आपके पास पहुंचा दो। एज यूजुअल हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो लेकर, तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर खाते रहिए, तक जय हिंद, वंदे मातरम। I think the girls with their nails done now.